इसका बदला लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी सारी जो लीडरशिप है यहाँ, हमारे दोस्तों को गोलियां लगी हैं, आपके वजीराबाद के लीडर अहमद चट्ठा शदीद जख्मी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। यहाँ हमारे फैसल जावेद शदीद जख्मी हैं, हमारे जो एमपीए साहबान थे यहाँ के उनको गोलियां लगी हैं, उमर मायर साहब को गोली लगी है, लेकिन इमरान खान को गोली मारी गई। यहाँ पे वो शख्स अगर यहाँ से पीछे, उसने निशाना सीने का लिया था, और मैं तो शुक्र करता हूँ ये पीछे मेरे सामने जो दो लोगों ने पकड़ के बंदूक नीचे की, उसकी वजह से ये बचत हुई है। और मैं अब इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर, ये वहां से आए थे, सामने खड़े होके गोलियां मारी गई हैं। पूरे पाकिस्तान के ऊपर यह हमला हुआ है, ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर यह हमला हुआ है, इमरान खान के ऊपर नहीं हुआ, और पाकिस्तान के अवाम इसका बदला लेंगे। मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा था जिस वक्त ये बुजदिलाना हमला हुआ। सामने से AK-47 से फायर की गई, स्ट्रेट फायर खान के ऊपर किया है, और ये खान को डराने के लिए नहीं, ये खान को मारने के लिए क्या इन कमीनों ने। और हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि इन बुजदिल हरकतों से, बुजदिलाना हरकतों से इमरान खान को डराएंगे, इमरान खान तो क्या ये उसका एक सिपाही नहीं डरा सकते इन हरकतों से। हम अपने कप्तान की कॉल का इंतजार करेंगे। आज का दिन हम रैली यहाँ खत्म कर रहे हैं, कल अपने कप्तान की कॉल का इंतजार करेंगे। जो भी कप्तान कॉल देगा पूरा पाकिस्तान साथ निकलेगा। निकलोगे कि नहीं? हल्फ लो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आईने पाकिस्तान की वफादारी करूंगा, और मैं अपने कप्तान इमरान खान की आवाज पर लबैक कहूंगा। जब भी मुल्क को मेरी जरूरत हुई, मेरा लहू मुल्क के लिए हाजिर है। मैं अपने कप्तान के साथ शाना बशाना आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान